नेक्स्ट इज डिड यू बाय सम क्लोथ्स डिड यू बाय सम हियर सम विल कम बिकॉज उस उसका, उसका अनुवाद होगा क्या तुमने कुछ कपड़े खरीदे और ये जो है एक्सपेक्टेशन है सो so, जब मैंने बताया एक्सपेक्टेशन हो रिक्वेस्ट हो सो so, सम का उपयोग होता है सो वी हैव डिड यू बाय सम क्लोथ्स नेक्स्ट पॉइंट वेयर पीपल मेक लॉड ऑफ मिस्टेक्स एंड दे मस्ट गार्ड अगेंस्ट दीज मिस्टेक्स इज अबाउट ईच एंड एवरी ईच और एवरी में क्या अंतर है क्या समानता है उसका उपयोग कहाँ हो सकता है कहाँ पर हम ईच का उपयोग करेंगे कहाँ पर एवरी का यद्यपि दोनों का अर्थ होता है समान दोनों का अर्थ होता है समान ईच और एवरी दोनों में दोनों के एक ही अर्थ हैं पर उपयोग करने के लिए थोड़ा सा अलग है तात्पर्य है बिना अपवाद के प्रत्येक एवरी मतलब क्या होता है एवरी एवरी मतलब हुआ उसमें ज्यादा जोर है हर एक और बिना अपवाद के सब के साथ प्रत्येक ईच विदाउट एक्सेप्शन ईच विदाउट एक्सेप्शन दो या अधिक वस्तुओं के लिए ईच का उपयोग होता है और एवरी का केवल दो से अधिक के लिए होता है बस ये अंतर आप याद रखें दोनों ही जब शब्द हम लगाते हैं तो दोनों ईच विदाउट एक्सेप्शन दोनों में ही जोर है दोनों बलशाली हैं लेकिन निश्चित रूप से एवरी शब्द जो है एवरी वो ज्यादा उसका प्रभाव है दोनों का अर्थ यही है कि बिना अपवाद के प्रत्येक लेकिन जब एवरी का प्रयोग दो, जब दो या अधिक वस्तुओं के लिए जब हम बात करते हैं तो ईच का प्रयोग होता है दो या अधिक वस्तुओं के लिए बात करते हैं तो ईच का और एवरी का प्रयोग केवल दो से अधिक के दो के लिए नहीं ईच ऑफ यू मस्ट कम मतलब इसका अर्थ यह हो सकता है कि वहां बहुत लोग हैं और यह दो लोग भी होंगे तो भी मैं कहूंगा ईच ऑफ यू मस्ट कम तब मैं ये नहीं कहूंगा एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम नो तब मैं ये नहीं कहूँगा एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम यदि दो ही लोग हैं तो ईच ऑफ यू मस्ट कम और यदि दो से ज्यादा हैं तो भी ईच का उपयोग होगा लेकिन जो एवरी है वो दो के लिए होता है कि एवरी का प्रयोग केवल दो लोगों के लिए होता है ईच किसी वर्ग के व्यक्तियों का बोध कराता है एक ग्रुप का बोध कराता है और एवरी जो है वो पूरे वर्ग का इस बात को देखिए दूसरा जो अंतर है दोनों में ईच जो है किसी वर्ग के व्यक्तियों का ईच ऑफ यू ईच विदाउट एक्सेप्शन मतलब हम व्यक्तियों की उस खास वर्ग के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं लेकिन एवरी जब हम बोलते हैं तो हम पूरे वर्ग की एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम जब वर्ग के व्यक्तियों की संख्या सीमित हो वर्ग के व्यक्तियों की संख्या सीमित हो और निश्चित हो तो भी ईच का उपयोग करते हैं ये देखिए तीसरा बिंदु है जब वर्ग में और वर्ग मैंने जैसे बताया ईच का उपयोग वर्ग के अंदर समाहित व्यक्तियों के लिए होता है पर यह व्यक्तियों की संख्या निश्चित हो और एक सीमित हो कम हो संख्या यदि बहुत ज़्यादा है तो हम एवरी का उपयोग करते हैं एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम लेकिन कम यदि संख्या है तो ईच ऑफ यू इन अदर वर्ल्ड वी कैन से देट देआर बेसिकली थ्री रूल्स गवर्निंग ईच एंड एवरी नंबर वन ईच की अपेक्षा एवरी जो है वो ज्यादा उसका एम्फेसिस है ज़्यादा उसका जोर है यद्यपि दोनों का अर्थ है बिना अपवाद के प्रत्येक बिना अप, बिना किसी को छोड़े प्रत्येक लेकिन दो वस्तुओं के लिए ईच और दो से ज्यादा के लिए भी ईच एवरी केवल दो के लिए एवरी केवल दो के लिए ईच किसी वर्ग के व्यक्तियों का बोध कराता है जबकि एवरी जो है वर्ग का बोध कराता है और लास्ट इज लास्ट पॉइंट टू तो नोट ऑन दिस आस्पेक्ट इज ईच जो है वो कम यदि संख्या कम है काउंटेबल है निश्चित है निश्चित संख्या है कम है तब हम ईच का उपयोग करते हैं अन्यथा ज्यादा होने पर अनिश्चित संख्या होने पर हम एवरी का उपयोग कर हर कोई खाना खाने आओ हर कोई खाना खाने आओ संख्या हमको नहीं मालूम ईच ऑफ यू मस्ट कम फॉर फूड उस समय वो कब हम यूज करते हैं जब संख्या मालूम हो एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम फॉर फूड तब हम यूज करते हैं जब हमें संख्या नहीं मालूम है और थोड़ा लार्ज वर्ग एवरी सीट वॉज टेकन कितनी सीट थी ये हमको नहीं मालूम कितने लोग बैठे थे नहीं मालूम एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड हर सीट भरी हुई थी बहुत बड़ी संख्या थी हमको मालूम नहीं कितनी संख्या फाइव बॉयज आर सीटेड ऑन ईच बेंच अब देखिए यहाँ पे संख्या निश्चित है संख्या छोटी है इसलिए हम ईच की बात कर रहे हैं ये उदाहरण बड़े मायने रखते हैं आपके लिए ईच की बात हम कब कर रहे हैं जब संख्या छोटी है और निश्चित है मैंने आपको पहले बताया जब अनिश्चित संख्या हो तो एवरी का उपयोग होगा एवरी वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन यदि चार पांच कुर्सियां टूटी हों तो हम बोलेंगे ईच ऑफ द आर ब्रोकन लेकिन चूंकि बहुत सारी कुर्सियों की बात हो रही है तो इसीलिए एवरी का उपयोग किया गया है यदि एवरी का उपयोग किया गया है तो बहुत सारी संख्या के लिए लेकिन अन्यथा हम एवरी को दो के लिए उपयोग करते हैं यह भी है एवरी वन ऑफ दीज चेर्स इज ब्रोकन यहां पे रखी हुई सारी कुर्सियां टूटी हुई हैं गिनी नहीं जा सकती अनगिनत हैं फिर देखिए लीप ईयर क्या होता है लीप ईयर चौथा वर्ष जब फरवरी कितने दिन का होता है पता करिए अभी आप हर चौथे वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है यह आप मालूम करिए और उस वर्ष को हम कहते हैं लीप ईयर क्या कहते हैं लीप ईयर जिस महीने फरवरी इतने दिन का होता है वो कितने दिन का ये एन एक्सरसाइज आई गिव टू टू यू फाइंड आउट अब ये जो इस, इसके लिए वाक्य बनाना हो लीप ईयर फॉल्स एवरी फोर्थ ईयर लीप ईयर फॉल्स एवरी फोर्थ ईयर राइट ही कम ही केम टू सी एस एवरी थ्री डेज ही केम टू सी एस एवरी थ्री डेज अब देखिये इसका उपयोग कैसा है एवरी थ्री डेज मतलब हर तीन दिन में वंस इन थ्री डेज एवरी थ्री डेज मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन के बाद तीन दिन लगातार आया इसका ऐसा नहीं निकालिएगा ही कम्स टू मी एवरी थ्री डेज ही कम्स टू मी एवरी ईयर साल भर के लिए नहीं आता हर साल एक बार आता है तो यहां पे ही कम्स टू मी एवरी थ्री डेज मतलब ही कम्स वंस इन थ्री डेज सो दिस इज हाउ वी यूज ईच एंड एवरी द डिफरेंस शुड बी मोर क्लियर टू यू नाउ बिटवीन ईच एंड एवरी नाउ द नेक्स्ट वन इज लिटल ए लिटल एंड दे पहले में कोई आर्टिकल नहीं है एक ही शब्द है लिटिल दूसरे में ए लिटिल और तीसरे में द लिटल क्या है अंतर लिटल माने थोड़ा देर इज लिटिल होप ऑफ सर्वाइवल देर इज लिटिल होप ऑफ ऑफिज सर्वाइवल उसके बचने की बहुत कम संभावना है देर इज लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी उसके सुधरने की स्वास्थ्य लाभ की बहुत कम संभावना है जब ऐसा हो तो लिटिल बहुत थोड़ा लिटिल मतलब क्या हुआ बहुत थोड़ा ए लिटिल कब होता है ए लिटिल होता है आ, हम बोलते हैं जब ए लिटिल मतलब थोड़ा लेकिन अधिक नहीं थोड़ा यद्यपि अधिक नहीं ए लिटिल शुगर गिव मी ए लिटिल शुगर हम क्या बोलेंगे गिव मी ए लिटिल शुगर अब जैसे रिकवरी की बात किया तो देर इज ए लिटल होप देर इज ए लिटल होप एंड देर इज लिटिल होप ये दोनों में अंतर समझ लो देर इज लिटिल होप मतलब नहीं के बराबर निषेधात्मक है नेगेटिव मीनिंग है देर इज लिटल होप ऑफ मी गेटिंग द जॉब देर इज लिटल होप ऑफ मी रीचिंग ऑन टाइम देर इज ए लिटिल होप ऑफ मी गेटिंग जॉब मतलब थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई है थोड़ी उम्मीद है नहीं। थोड़ी उम्मीद है यद्यपि ज्यादा नहीं तो ये हो गया ए लगाने से अंतर देखिए कैसे हो जाता है तो लिटल डूफ यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लिटल बिफोर वी प्रोसीड टू ए little, बट आई थिंक यू हैव understood द डिफरेंस बिटवीन द टू Little मतलब नहीं के बराबर ए little मतलब थोड़ा पर नहीं बहुत कम थोड़ा थोड़ी उम्मीद है लेकिन ज्यादा मत रखना कम ही रखना उम्मीद है उम्मीद है लेकिन ज्यादा नहीं ये उसकी भावना है तो so, लिटिल पे यदि हम जाएं, ही शोड लिटिल इंटरेस्ट इन माई बिजनेस He showed little interest in my business. और यदि मैं ए लिटिल लगा दूं तो ही शोड ए little इंटरेस्ट इन in my बिजनेस तब क्या होगा ही शोड लिटिल इंटरेस्ट इन my बिजनेस मेरे व्यापार में मेरे काम धंधे में उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया निषेधात्मक एंड ही शोड ए लिटिल इंटरेस्ट इन my बिजनेस मतलब मेरे व्यापार में उसने थोड़ा रुचि दिखाई लेकिन ज्यादा नहीं थोड़ी रुचि दिखाई मतलब रुचि दिखाई है थोड़ा सा पॉजिटिविटी है थोड़ा सकारात्मक है लेकिन फिर भी बहुत कम है सकारात्मक होते हुए भी बहुत कम है नेक्स्ट सेंटेंस ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विथ हिज फॉलोअर्स अपने अनुयायियों में उसका बहुत कम प्रभाव है हिंदी में अनुवाद क्या हुआ अपने अनुयायियों में उसका बहुत कम प्रभाव है ही है लिटल इन्फ्लुएंस ऑन हिज फॉलोअर्स अब यदि मैं कहूं अपने अनुयायों अनुयायियों पर उसका थोड़ा प्रभाव है तो थोड़ा मतलब तो कम ही हुआ लेकिन बहुत कम और थोड़ा में अंतर है मैं हिंदी में ही आपको बता दूँ, उसका अपने अनुयायियों पर बहुत कम प्रभाव है लिटिल इंट लिटिल इन्फ्लुएंस दूसरा है उसका अपने अनुयायियों पर थोड़ा प्रभाव है मतलब कुछ चांस है कि हम अनुयायियों को प्रभावित कर सकें थोड़ी संभावना है बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है थोड़ी संभावना है तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटल एंड ए लिटिल ही शोड लिटल मर्सी टू द वैंक्विस्ड मर्सी यानी दया और वैंकविस्ट मतलब जिसे पराजित किया विक्टर एंड वैंकविस्ट दोनों भी से है विजेता और पराजित वैंकविस्ट यानी जिसे समाप्त कर दिया पराजित कर दिया सो ही शोड लिटिल मर्सी ऑन द वैंकविस्ट मर्सी दया यानी पराजित उसने पराजित पर कोई दया नहीं दिखाई लिटिल मर्सी क्या उसने उस पर दया दिखाई क्या ना नए कुछ नहीं दिखाया कोई दया नहीं दिखाई और एक है क्या उसने दया दिखाई क्या हाँ थोड़ी दिखाई थी तब क्या बोलेंगे ए लिटिल मर्सी उस समय हम क्या बोलेंगे हाँ हाँ थोड़ी सी दिखाई थी उसने तब हम कहेंगे ए लिटिल मर्सी वॉज शोन बाय आर वी क्लियर ऑन दैट द डिफरेंस बिटवीन लिटल एंड ए लिटल एंड लास्ट इज ही हैज लिटल एप्रिसिएशन फॉर गुड पोएट्री ही हैज लिटल एप्रीसीशन फॉर गुड पोएट्री अच्छी कविताएँ पोएट्रियन कविता अच्छी कविताएं के लिए उसका कम एप्रीसी है वह उसको कम पसंद करता है मतलब नहीं करता अरे वो पसंद नहीं करता ही लिटल एप्रिसिएशन फॉर इट नकारात्मक है चेहरे की भाव भंगमा से लग जाता है कि वो ना है मतलब एक तरीके से पसंद ही नहीं करता ऐसा अर्थ हो गया इसका वो कविताओं को पसंद ही नहीं करता लेकिन यदि मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा करता है थोड़ी कविता कभी कभी कर लेता है तब हम बोलेंगे ही हैज़ ए लिटल एप्रिसिएशन ओ यस ही हैज़ ए लिटल एप्रिसिएशन फॉर दिस ही हैज़ ए लिटल अप्रीसीशन फॉर दिस तो यह सकारात्मक हो जाता है थोड़ा सकारात्मक थोड़ी पॉजिटिविटी है तो ए लिटिल और लिटिल का अंतर आप समझ गए हैं और मैंने दोनों वाक्यों में एक ही तरह के वाक्यों में लिटिल और ए लिटिल लेके आपको बताने की कोशिश की है कि दोनों में कैसा अंतर है ए लिटिल एंड लिटल राइट ए लिटल टैक्ट ए लिटल ट्रिक वुड हैव सेव्ड हिम फ्रॉम द सिचुएशन थोड़ा सा वो चालाकी करता थोड़ा सा होशियार रहता तो स्थिति से बच सकता था ए लिटिल टैक तो यहां पर देखिए लिटिल टैक नहीं आ सकता देर इज ए लिटिल टैक ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग ये देखिए ये बहुत अच्छा वाक्य है ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग लिटिल नॉलेज इज डेंजरस मतलब बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है वो तो खतरनाक है ही लिटल नॉलेज इज डेंजरस कोई ज्ञान नहीं होना उसमें खतरा क्या ज्ञान ही नहीं है यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं है स्कूटर चलाना आपको आता ही नहीं है कभी आपने कुछ उसके बारे में सीखा ही नहीं तो उसमें खतरा कुछ नहीं क्योंकि आप चलाएंगे नहीं छुएंगे भी नहीं लेकिन यदि थोड़ा ज्ञान आता है कि हाँ ये क्लच है ये गियर है और आपने किसी को चलाते हुए देखा है और बोलते हैं अब मैं स्कूटर चला लूंगा तो इसमें खतरा है क्या बिल्कुल है क्योंकि आपको थोड़ा ज्ञान है पूरा नहीं तो थोड़ा ज्ञान खतरे वाला होता है नीम हकीम खतरे जान बोलते हैं ना हिंदी में नीम हकीम खतरे जान आधा ज्ञान बर्बाद कर देता है यहाँ अर्थ वही है ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है अज्ञानी होना खतरनाक कम खतरनाक है अज्ञानी हैं तो हम साफ कह सकते हैं कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता लेकिन आप मुझसे पूछो अच्छा तुमको ये कंप्यूटर चलाना आता है क्या और मैं कहूँ हाँ हाँ थोड़ा बहुत तो सीखा है तो बेहतर है उससे कंप्यूटर का कोशुल सुद, मत सुधरवाइए क्योंकि उससे थोड़ा आता है कुछ भी गड़बड़ करेगा ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस इज इट क्लियर दिस इज ए वेरी वेरी इंफॉर्मेशन द लिटल अब क्या होता लिटल आपने देखा ए लिटिल देखा अब द लिटिल द लिटिल मतलब अधिक नहीं किंतु सभी जो है अधिक नहीं है लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जो है देखिए इसको सुन लीजिए द लिटिल मतलब अधिक नहीं है लेकिन सभी जो है ये वाक्य बनाऊं तो बेहतर ही हैड वॉज रिलायबल द लिटल इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज रिलायबल मतलब क्या हुआ उसके पास जो थोड़ी सूचना है अधिक नहीं जो थोड़ी सूचना है उस पर विश्वास किया जा सकता है द लिटल इंफॉर्मेशन ही हैज जो थोड़ी सूचना उसके पास है उस पर विश्वास किया जा सकता द लिटल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट आई हैव विल डू मी गुड। द लिटल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट आई हैव विल डू मी गुड मेरे पास जो थोड़ा ज्ञान है वो मेरे लिए पर्याप्त है कारपेंट्री मतलब बढ़ईगिरी गिरी का जो मेरे पास थोड़ा ज्ञान है वो मेरे लिए पर्याप्त है अब यहाँ पे देखिए द लिटल नॉलेज दैट आई हैव ऑफ कारपेंट्री विल डू गुड फॉर मी ए लिटल नॉलेज दैट आई हैव गलत हो जाएगा खतरा है डेंजरस है ए लिटल नॉलेज मतलब बहुत थोड़ा ए लिटल मतलब पॉजिटिविटी है पर बहुत थोड़ा और द लिटल नॉलेज मतलब कुछ है मेरे पास जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका उपयोग करके मैं कारपेंट्री कर लूंगा कंप्यूटर चला लूंगा मतलब आई हैव दैट मच नॉलेज दैट आई कैन वर्क ऑन कंप्यूटर दैट आई कैन डू वर्क रिलेटेड टू कारपेंट्री एटसेट्रा सो द लिटिल कार्ड क्या हुआ अधिक नहीं लेकिन फिर भी सब जो है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैव ज सफिशेंट जो थोड़ी सूचना मेरे पास है वो पर्याप्त है अपने को सोचने के लिए द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैव इज इनफ दिस इज द्लियर थिंग बढ़ाई वाला जो मैंने आपको बताया द लिटल नॉलेज दट आई हैव विल डू मी गुड बढ़ाईगिरी का उतना ज्ञान नहीं है मेरे पास किंतु जितना भी है वो फायदेमंद होगा कंप्यूटर का मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है लेकिन जो भी है फायदेमंद है उतना ज्ञान नहीं है लेकिन जो भी है यह कब आता है जब द लिटिल बोलते हैं द लिटिल तो होप यू हैव अंडरस्टूड फाइन डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स विच कॉज कन्फ्यूजन अमंग द बेस्ट ऑफ पीपल ऑल्सो ऑल ऑफ देम है दे लिटल द लिटिल वॉज द लास्ट इन दैट सीरीज दैट वी डिड लेट्स डू सम एक्सरसाइज ऑन दिस देखें जरा क्या बनता है डैश ग्रेन दे हैड वॉज डैमेज बाय सी वॉटर डैश ग्रेन दे हैड वॉज डैमेज बाय सी वॉटर ए लिटल द लिटल और लिटल द लिटल ग्रेन दे हैड जो उनके पास थोड़ा बहुत था वह समुद्र के पानी से बर्बाद हो गया ग्रेन मने अनाज जो थोड़ा बहुत था वह बर्बाद हो गया द लिटिल ग्रेन डैश प्रिकॉशन इज नेसेसरी फॉर हैंडलिंग मशीन डैश प्रिकॉशन इज नेसेसरी फॉर हैंडलिंग मशीन द प्रिकॉशन इज नेसेसरी और द लिटिल प्रिकॉशन और ए लिटिल प्रिकॉशन ए लिटिल प्रिकॉशन इज नेरी फॉर हैंडलिंग ग्रिटल प्रिकॉशन डैश केयर कुड है डैमेज डैश केयर कुड है रोकना डैमेज माने नुकसान थोड़ा अतिरिक्त केयर नुकसान को कम कर सकता था रोक सकता था प्रिवेंट कर सकता था थोड़ा, थोड़ा ज्ञान थोड़ा केयर थोड़ी केयर तो यहाँ पे थोड़ी केयर मतलब क्या थोड़ी केयर से नहीं थोड़ी केयर मतलब कुछ तो होना पॉजिटिविटी है पॉजिटिविटी तो यहाँ पे क्या होगा ए लिटिल केयर कुड हैिवेंटेड ए लिटिल केयर थोड़ा सा मैंने बताया कि इसका पॉजिटिविटी में इसका अर्थ आता है थोड़ा इसका सार्थक अर्थ है सकारात्मक अर्थ है सकारात्मक अर्थ है ए लिटिल केयर Little care damaged the machine, and a little care could have prevented the damage. A little care. Next is dash influence that he has, he uses to his advantage. Dash information that he has, dash influence that he has, he uses to his advantage. क्या ए लिटिल और द लिटल द लिटल क्या होगा द लिटल इन्फ्लुएंस दैट ही है उसके पास जो थोड़ा प्रभाव है उसका वह सुचारू रूप से उसका वह अच्छे तरीके से उपयोग करता है अपने प्रभाव का वह अच्छे तरीके से उपयोग करता है डैश इन्फ्लुएंस तो ए लिटल इन्फ्लुएंस दैट ही है पॉजिटिव लास्ट इज डैश नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैज़

और दी फ्यू क्या होगा फ्यू मतलब वही जैसे लिटल नहीं के बराबर लिटल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए रहता है फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए रहता है फ्यू में अब वही चीज है जो लिटल ए लिटल और द लिटल में हो फ्यू में वही क्रम चलेगा जो दी, ए ए लिटल ए लिटिल और दिटिल में होता है तो यदि हम इसकी बात करें फ्यू तो फ्यू मतलब होता है नहीं के बराबर आई हैव फ्यू फ्रेंड्स क्या मोल आई मतलब मेरे बहुत कम मित्र हैं नहीं के बराबर आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स मेरे कुछ मित्र हैं द फ्यू फ्रेंड दैट आई हैव आर वंडरफुल मेरे पास जो कुछ मित्र हैं बड़े शानदार हैं देखिए तीनों वाक्य आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे पास कोई मित्र नहीं है नहीं के बराबर आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे कुछ मित्र हैं आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन हैदराबाद मेरे कुछ मित्र हैं, हैं हैदराबाद में जरा मैं उनको संपर्क करता हूँ कोई हैं कुछ हैं एंड द फ्यू फ्रेंड दट आई हैदराबाद मेरे पास जो कुछ मित्र हैं जो हैदराबाद में रहते हैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू पर्सन कैन कीप ए सीक्रेट बहुत कम लोग किसी चीज को सीक्रेट रख पाते हैं बात सही है ना हर कोई एक दूसरे को कुछ बात बताते हैं और कहते हैं मत बताना यार डोंट टेलिट टू एनी वन और ऐसा कहते कहते मत बताना यार कहते हुए सब लोग एक दूसरे को सीक्रेट बात बता देते हैं तो ये वाक्य क्या है फ्यू पीपल कैन कीप ए सीक्रेट बहुत कम लोग रख पाते हैं नहीं के बराबर फ्यू पीपल आर एज फ्यू पीपल आर सो होपले फ्यू टाउंस इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज फ्यू टाउन्स मतलब बहुत कम शहरों में लाइब्रेरी है और यदि मैं कहूं ए फ्यू टाउंस कुछ शहरों में है सब में नहीं कुछ ही लेकिन है तो ये सकारात्मक है पॉजिटिव है नकारात्मक नहीं है ए फ्यू फ्यू टाउन्स इन इंडिया है पब्लिक लाइब्रेरीज इस वाक्य को देखिए थोड़ा लंबा है और कुछ नए बातें इसमें हैं फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंस रेफरेंस यानी संदर्भ फ्यू वर्कस ऑफ रेफरेंस आर सो वैल्यूएबल एज फ्यू वर्क ऑफ रेफरेंस आर सो वैल्यूएबल एज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इसमें केवल वाक्य ही नहीं सीखना है आपको ये जो शब्द दिया हुआ आगे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका यह क्या है एनसाइक्लोपीडिया इसकी स्पेलिंग देखिए ई एन सी वाई सी एल ओ पी ए डी आई एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ब्रिटेनिका मतलब इंग्लैंड को कहते थे ब्रिटेनिका ओल्ड नेम ऑफ इंग्लैंड पैन ब्रिटेनिका पूरी दुनिया में जो छाया हुआ इंग्लैंड पैन ब्रिटेनिका मैं बात कर रहा हूं फ्यू वर्क्स आर सो वैल्यूएल एज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका अर्थात क्या हुआ यहाँ पे फ्यू है ए फ्यू नहीं बहुत ही कम संदर्भ इतने महत्वपूर्ण हैं जितनी कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका मतलब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जितने महत्वपूर्ण संदर्भ के ग्रंथ नहीं के बराबर हैं क्या मतलब हुआ नहीं के बराबर बहुत ही कम नगण्य यू कैन जस्ट काउंट देम ऑन फिंगर टिप एक दो तीन फ्यू यदि है तो यदि ए फ्यू है तो कुछ किताबें एनसाइक्लोपीडिया के बराबर हैं अपने वैल्यू में अपनी महत्ता में कुछ किताबें हैं ए फ्यू होने पर ए फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंसेस आर सो वैल्यूएबल एज ब्रिटानिका यदि ए लगाया तो फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट क्या मतलब हुआ फॉल्ट माने कमजोरियां गलतियां बहुत कम आदमियों में बहुत कम आदमी में गलतियां कमजोरियां नहीं होती फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट फॉल्ट से मुक्त रहते हैं कमजोरियों से मुक्त रहते हैं बोलना क्या चाह रहा है बहुत कम लोग मुक्त रहते हैं नहीं के बराबर लोग रहते हैं नकारात्मक है फ्यू मैन नो नो आई एग्री फ्यू मैन आर लेकिन यदि मैं कहता हूं ए फ्यू मैन तो इसका अर्थ ये हुआ कुछ लोग फॉल्ट से मुक्त रहते हैं कुछ लोग कमजोरियों से फ्री रहते हैं जब ए फ्यू हो गया फ्यू मैन रीच द एज ऑफ हंड्रेड ईयर्स क्या अर्थ हुआ फ्यू मैन रीच द एज ऑफ हंड्रेड ईयर्स बहुत कम लोग सौ की उम्र पार कर पाते हैं बहुत कम लोग नगण्य लोग यानी नेगेटिव है नकारात्मक है निषेधात्मक है यदि मैं ऐसा कहूँ तो इसमें यही भावना निकल रही है कि सौ पाने वाले बहुत कम रहते हैं लेकिन यदि मैं कहूँ ए फ्यू मैन रीच द एज ऑफ हंड्रेड तो ए फ्यू मैन मतलब कुछ लोग पहुँच जाते हैं कुछ लोग यद्यपि उनकी भी संख्या बहुत कम रहती है क्योंकि फ्यू का अर्थ कम है पर ए फ्यू का अर्थ है कुछ कम लेकिन कुछ सो ए फ्यू मैन रीच द एज ऑफ हंड्रेड मीन्स कुछ लोग फ्यू पारसीज स्पीक गुजराती करेक्टली पारसी लोगों की जो भाषा है क्योंकि वो लोग अहमदाबाद और उसके बॉम्बे और उस क्षेत्र में रह रहे हैं जहां गुजराती भाषा का बोलबाला है तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि पारसी लोगों को गुजराती आती होगी लेकिन सच्चाई ये है कि फ्यू मैन कैन स्पीक गुजराती करेक्टली मतलब बहुत कम लोग बोल पाते हैं सही तरीके से यदि मैं बोल दूँ ए फ्यू मैन थोड़े बहुत लोग बोल पाते हैं ए फ्यू मैन मतलब थोड़े बहुत लोग बोल पाते हैं राइट सो वी हैव कंपेयर्ड फ्यू एंड ए फ्यू पैरलि समानांतर तरीके से दोनों का मैंने आपको बताने की कोशिश की और दोनों में अंतर फ्यू ए फ्जाम्पल्स ऑफ ए फ्यू ए वैसे ही है जैसे सकारात्मक जो मैंने कहा कुछ नहीं लेकिन उसका विलोम है थोड़ा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा तो है यही मतलब होगा क्या होगा कुछ नहीं तो है लेकिन थोड़ा तो है ए फ्यू वर्ड स्पोकन विल कन्विंस हिम यदि कुछ थोड़ा सा बोल दोगे तो उससे वो संतुष्ट हो जाएगा फ्यू वर्ड्स विल नॉट कन्विंस हिम ए फ्यू वर्ड विल कन्विंस हिम ए फ्यू वर्ड यदि उसे थोड़ा बोल दोगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा कन्विंस हो जाएगा ए फ्यू पारसीज इन गुजर स्पीक गुजराती करेक्टली फ्यू पारसीज और ए फ्यू पारसीज एम आई क्लियर अब द फ्यू पे आए वही जैसे द लिटल द फ्यू रिमार्क दट ही रोड द फ्यू रिमार्क दट ही रोड हैव डन गुड फॉर मी उसने जो कुछ रिमार्क लिखे हैं कापी में उसने मेरे लिए अच्छा किया है उस रिमार्क से मुझे फायदा हुआ द फ्यू रिमार्क्स ही रोड लिखा कम है लेकिन कुछ ज्यादा बहुत नहीं किंतु सब कुछ मिला कर बहुत नहीं किंतु तो सब कुछ द फ्यू फ्रेंड दैट आई हैव इन हैदराबाद आर वेरी डियर टू मी मेरे जो थोड़े बहुत मित्र हैं मित्र हैं मतलब इससे स्पष्ट इस है मित्र हैं और थोड़े बहुत हैं तो so, द लगाने से देखिए क्या अंतर पड़ा द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव ऑलवेज कम टू सेलिब्रेट माई बर्थडे द फ्यू फ्रेंड दैट आई हैव ऑलवेज कम टू सेलिब्रेट माई बर्थडे मेरे पास जो थोड़े बहुत मित्र हैं मतलब मेरे पास मित्र हैं ये बात है दूसरा मेरे मित्रों की संख्या सीमित है फ्यू मतलब सीमित तो सीमित है वो मेरे जन्मदिन में हमेशा नियम से आते हैं द फ्यू द फ्यू द फ्यू क्लोज दैट आड आर ऑल वेस्ट द फ्यू क्लोज दैट आई हैव आर ऑल वेस्ट द फ्यू क्लोज दैट आई हैव मेरे पास जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो पूरे गीले हो गए पानी गिर गया बाढ़ आ गई द फ्यू क्लोज दैट आई हैव आर ऑल वेट राइट सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दैट नाउ लेट डू समाइज ऑन दिस डैश पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड डैश पब्लिक लाइब्रेरीज ट वी हैव आर नॉट वेल इक्प्ड अब यहाँ क्या आएगा फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड और ए फ्यू पब्लिक लाइब्रेरी ए फारे पास जो थोड़ी बहुत लाइब्रेरी है वह प्रॉपर तरीके से इक्विप्ड नहीं है हमारे पास जो थोड़ी बहुत लाइब्रेरीज हैं पब्लिक लाइब्रेरी ए फ्यू लाइब्रेरीज वी हैव ए फ्यू लाइब्रेरीज वी हैव similarly dash days that are left to him dash days that are left to him he will spend on solitude अब कुछ दिन बचे हैं जिसे वे एकांत में गुजारेगा तो क्या होगा a few days that are left to him या yeah, the few days the few days that are left to him द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम द फ्यू लब द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव यह भी हो सकता है मैनी हिंदूज स्टडी संस्कृत मैनी हिंदूज स्टडी संस्कृत बट ओनली डैश पारसी स्टडी अव्यस्ता अव्यस्ता पारसी लोगों के धार्मिक बुथ है जेंद अव्यस्ता उन लोगों की धार्मिक पुस्तक है मैनी हिंदूज स्टडी संस्कृत बट ओनली ए फ्यू पारसीज स्टडी अवेस्ता क्या आएगा ए फ्यू पारसी कुछ लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इज डैश डेज रेस्ट इज ऑल दैट इज नीडेड डेज रेस्ट में देखिए अपॉस्ट्रॉफी लगा है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है आराम का के दिन डेज रेस्ट इज ऑल दैट इज नीडेड ए फ्यू डेज रेस्ट ए फ्यू डेज रेस्ट पॉजिटिविटी है कुछ दिन आराम के यही मुझे चाहिए बस दैट इज ऑल इज नीडेड अब एक क्वेश्चन हैव यू गॉट डैश पोटैटोज लेफ्ट हैव यू गॉट द फ्यू पोटैटोज लेफ्ट द नहीं आएगा ए फ्यू पोटेटो लेफ्ट क्या तुम्हारे पास अभी कुछ आलू बचा है एक, 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 सकारात्मक है मतलब उम्मीद है कि हाँ शायद बचा। उत्तर क्या आएगा हाँ बचा है ऐसे उत्तर की संभावना यहाँ पे दिख रही है तब ऐसा सवाल पूछा जाता है इट इज a क्वेश्चन ऑफ spending. It is a question of spending dash rupees. It is a question of spending the few rupees or it is a question of spending a few rupees. A few rupees. It is a question of few rupees. It is a question of spending few rupees and we will be there in Mauritius. It is a question of spending few rupees. ये कुछ पैसा खर्च करने की बात है यानी कुछ खर्च करना पड़ेगा लेकिन द नहीं आएगा द फ्यू नहीं आएगा इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग ए फ्यू रुपीस राइट सो आई थिंक वी हैव डन ऑल दिस एक्सरसाइज एंड अंडरस्टूड डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ एडजेक्टिव वन बाय वन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड द लास्ट वन दिस वन वेयर वी लर्न कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट वर्ड विद सिमिलर स्पेलिंग एंड Similar words with the addition of just a, the, it works. Right? Let us do a little more exercise. Right? Kuch or hum on this comparison between a few and the few. Dash hints on essay writing are quite to the point. Dash hints. ऑन ऐसे राइटिंग आर क्वाइट टू द पॉइंट क्या यहां आएगा ए फ्यू हिंट्स या द फ्यू हिंट्स जो हिंट दिए गए हैं वो टू द पॉइंट है बिंदु अनुसार हैं विषय के अनुसार हैं तो क्या बोलना चाहेंगे दू हिंट्स विच अ बिन गिवन हिंट्स मैंने संकेत जो कुछ संकेत दिए हुए हैं स्पष्ट में when i met him dash year after when i met him dash years after he looked old when i met him the few years after no when i met him a few years after when i met him a few years after फ्यू ईयर्स मतलब पॉजिटिव है सकारात्मक है कुछ समय बाद जब मैं मिला नेक्स्ट इज डैश शॉर्ट पोएम्स इन द बुक शो साइंस ऑफ जीनियस डैश शॉर्ट पोएम्स इन द बुक शो साइंस ऑफ जीनियस क्या आएगा द फ्यू शॉर्ट पोएम्स नो ए फ्यू शॉर्ट पोयम्स उस किताब में उस किताब में कुछ छोटी कविताएं जीनियस महसूस कराती हैं नेक्स्ट इज इन डैश वर्ड्स ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड इन डैश वर्ड इन द फ्यू वर्ड्स नो इन ए फ्यू वर्ड कम शब्दों में उसने अपनी ग्रैटिट्यूड महसूस करा दिया ग्रैटिट्यूड मतलब आ, किसी के प्रति उपकृत होना किसी के प्रति उपकृत होना तो यहाँ पर इन फ्यू वर्ड्स ही एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड कम शब्दों में उसने अपनी उपकृतता महसूस करा दी ग्रैटिट्यूड और ए फ्यू वर्ड्स नेक्स्ट इज

मतलब उसने जो सौ कविताएं लिखी हैं तो उसमें कुछ कविताएं अच्छी हैं और यदि मैं कहता हूं द फ्यू पोएम्स सी हैज़ रिटर्न आर ग्रेट इसका मतलब उसने जितनी भी कविताएं लिखी हैं भले ही थोड़ी लिखी हूँ ये सब बहुत अच्छी हैं दोनों वाक्यों में अंतर देख लीजिए ए फ्यू पोएम्स ही हैज़ रिटर्न आर ग्रेट यानी थोड़ी कविताएँ उसमें से अच्छी हैं बहुत सारी कविताएँ लिखी पर थोड़ी ए फ्यू पोएम और फ्यू पोएम्स मतलब नहीं के बराबर फ्यू पोएम्स आर ग्रेट मतलब नहीं के बराबर ए फ्यू पोएम्स आर ग्रेट थोड़ी अच्छी हैं बहुत कम संख्या में हैं लेकिन कम एंड द फ्यू पोएम्स ही कम कवि जितनी भी उसने लिखी है वो सब अच्छी हैं तीनों वाक्यों में अंतर देख लीजिए राइट सो दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ वर्ड्स which cause confusion in many hope you are clear about this and would not be making the kind of mistakes that people in general do